प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 6। तो लेक्चर नंबर 6 में हम लोग बात करने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। कैसे इमेज बनेगा ये सीखेंगे, और साथ ही साथ इसके लिए हम लोग एक मिरर का फार्मूला कैसे कैलकुलेट करना होगा उसका कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, तो रेडी हो जाइए बच्चों। जैसे कि मान लो कि ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, मैं सिर्फ एक लाइन इसको खत्म करना चाहूंगा जल्दी से जल्दी, है ना, कि ज्यादा टाइम ना लगे, है ना, इमेज बनाने के लिए। देखो मान लो ये आपके पास एक कॉनकेव मिरर है बेटा, है ना, कॉनकेव मिरर, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, और इधर मैंने रखा कॉन्वेक्स मिरर आपके साथ ही, है ना, मतलब कॉनकेव के साथ में ये कॉन्वेक्स मिरर है बेटा। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, ये इसका मिड पॉइंट है पोल, ये इसका मिड पॉइंट है पोल, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं ना कहीं होगा। तो इसका इमेज बनाना है, इमेज कैसे बनाएं? तो इमेज बनाने के लिए आपको दो लाइट रेस को मीट करानी होगी, मतलब या तो सच में मीट करें, या पीछे बढ़ाने पर, या थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करने पर कहीं जाकर अगर मिलती है वो लाइट रेज। लेकिन वो लाइट रेज कैसी होनी चाहिए, मतलब वो लाइट रेज क्या इंसिडेंट लाइट रे होनी चाहिए या रिफ्लेक्टेड? तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वो रिफ्लेक्टेड होना चाहिए, है ना। तो लाइट रेज, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज अगर आपस में दो या दो से ज्यादा मीट करती हैं या अपीयर टू मीट करती हैं, मतलब कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वहां पर बनता है इमेज। अगर सच में मीट कर जाती है, रियल मीट करती है, तो रियल इमेज। अगर एक्सटेंड करने पर मीट करती है या अपीयर टू मीट करती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, तो वहां बनता है वर्चुअल इमेज। अगर एक ऑब्जेक्ट हम रखें सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर के पीछे, देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, देख लो ध्यान से, ये हमने इसके जस्ट पीछे रखा है। तो अगर इसका इमेज बनाना है तो आप क्या करेंगे, एक लाइट रेस पैरेलल ड्रॉ करेंगे, एस पैरेलल ड्रॉ करेंगे, और यहां से ये वाली जो लाइट रे है वो फोकस से पास करेगी, है ना, ये है फोकस आपका, तो फोकस से पास करती हुई नजर आएगी आपको, है ना, इसको धीरे से देखिए फोकस से ऐसे, और एक आप डालेंगे कहां से, फोकस से पास कराएंगे ऐसे सीधा फोकस से। ये लाइट रे जहां पर मीट कर जाए, है ना, जहां मीट कर जाए, रिफ्लेक्टेड ये है और एक रिफ्लेक्टेड ये है, ये दोनों यहां मीट कर रहे हैं, तो यह लाइट रे कहां चली है, ये जो लाइट रे है ना वो हेड से चली है। देखो कहां चली है बेटा, यहां हेड से चली है, रिफ्लेक्ट हुई है, ये भी लाइट रे हेड से चली है, रिफ्लेक्ट हुई, दोनों यहां मिल रहे हैं। इसका मतलब हेड से चली है तो ये हेड वाला पोर्शन होगा, ये क्या होगा, हेड वाला पोर्शन, तो इसके ठीक सामने इसका फुट जाएगा, है ना, तो यहां बनेगा इसका इमेज। अगर आप इसे ए बी कहते हो तो इसका ए डैश यहां पे आ रहा बेटा और ये बी डैश आ रहा है, मतलब इमेज कहां बन रहा है, सी और एफ के बीच, ये रियल है बेटा और कैसा है, साथ में इन्वर्टेड है और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। तो बच्चों ऐसे ही इमेज फॉर्मेशन बनती है, इमेज बनाई जाती है। वर्चुअल कैसे बनेगा ध्यान दो, तो ये है आपका एक ऑब्जेक्ट, एक लाइट ले लेंगे पैरेलल जो कि ऐसे डाइवर्ट कर जाएगी, थोड़ा सा ऊपर जाएगी, मैं थोड़ा सा इसको कुछ यू दिखा दे रहा हूं ऐसे, है ना, यू, इसको जब पीछे की तरफ बेटा एक्सटेंड करते हैं तो ऐसा लगता है कि यहां इस पॉइंट से, इस पॉइंट से अगर आप यहां से आप देखते हो, यहां से आप देखते हो तो ये लाइट रे यहां से आती हुई प्रतीत होती है, है ना, और एक लाइट रे हम परपेंडिकुलर स्ट्राइक कराएंगे ऐसे, थोड़ा सा परपेंडिकुलर, ये टेढ़ा हो गया बेटा, ये ऐसे परपेंडिकुलर, तो ये वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगी, है ना, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चली गई, इसको जब पीछे खींचा तो यहां पर मिला, यहां लाइट रे ऐसे आई, टकराई, टकरा के वापस चली गई, है ना, तो ये हमारा क्या हुआ, यहां से इसको हम अगर पीछे खींचते हैं इस तरफ से ऐसे, तो ये सी से कहीं पास होती, अपीयर होती है।
तो इमेज सी और कहां बनेगा, एफ का ये है फोकस हमारा, और एफ और पी के बीच हमारा इसका इमेज बन रहा है, तो ये अपीयर टू मीट कर रहा है, इसलिए कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। ये पी और एफ के बीच में हमेशा बनेगा, ऑब्जेक्ट का लोकेशन कहीं पर भी हो पी और एफ के बीच बनेगा, वर्चुअल इमेज रहेगा, स्मॉलर ऑब्जेक्ट रहेगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट रहेगा बेटा, है ना, वर्चुअल होगा, और साथ में अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट जरूर आएगा बेटा, क्या आएगा, इरेक्ट, क्लियर है, ये वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आता है। तो ऐसे ही आपके बुक में बहुत सारे केसेस दिए गए हैं, तरह तरह के केसेस दिए गए हैं, आप उनको स्टडी करना, गौर करना, तो देखेंगे आपको इमेज डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन, मतलब पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर इसकी पोजीशन अगर हम अलग अलग रखते हैं तो इसका जो इमेज बनता है वो पोजीशन अलग अलग आती है। और एक केस उसमें आपको ऐसा मिलेगा, अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच कहीं पे रख दें तो इमेज कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर, मतलब यहाँ कहीं बनेगा, और ये वर्चुअल इरेक्ट होता है और मैग्नीफाइड इमेज होता है, ठीक है। तो आप उन कंडीशन को याद रखेंगे, ऐसे ही इमेज बनता है। तो जब अपीयर टू मीट करेगा तो वर्चुअल इमेज, रियल मीट करेगा तो रियल इमेज। और इसी के लिए एक मिरर का फार्मूला दिया गया है बच्चों, मिरर फार्मूला है ना, आप इसे लर्न करेंगे क्योंकि इसको क्लास टेंथ में बेसिक आप लोग सीख चुके हैं, मैं ऐसा मान के चलता हूँ यहाँ पे। तो मिरर फार्मूला का भी डेरिवेशन होगा, है ना, मिरर फार्मूला, और ये होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये है मिरर फार्मूला बच्चों, क्लियर। और मिरर फार्मूला का यूज हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल्स में। इसमें f क्या है आपको पता होगा, फोकल लेंथ है, क्या है, फोकल लेंथ है। u है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और v हमारा है इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ठीक है बच्चों। और साथ ही साथ में यहां पे हम एक लीनियर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करेंगे, लीनियर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन बच्चों, ये जेई मेंस और नीट वालों के बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। लीनियर मैग्निफिकेशन ये होता है m, स्मॉल m हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। साथ ही साथ इसका एक फार्मूला और लिखते हैं हम लोग, माइनस वी बाई यू, ठीक है। इस फार्मूले का यूज हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करते हैं, और न्यूमेरिकल में यूज करने के बाद क्या करेंगे, पता ही है आप क्या करेंगे, आंसर निकाल लेंगे और क्या, ठीक है। तो ये सब फार्मूले यूज होने वाले हैं आपके न्यूमेरिकल्स में, और साथ ही साथ नीट में, जेई मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं रे ऑप्टिक्स से, स्फेरिकल मिरर से, वो इसका और इसका कभी कभी कॉम्बिनेशन मिल जाता है, ठीक है। और जैसे ही, तो ये जो था ये है लीनियर मैग्निफिकेशन, कभी कभी निकालना पड़ जाता है एरियल मैग्निफिकेशन, क्या निकालना पड़ जाता है बेटा, एरियल मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। अब ये क्या होता है एरियल मैग्निफिकेशन, ये होता है एरिया ऑफ इमेज, एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई अगर ऑब्जेक्ट है उसका कुछ एरिया है तो उसके जो इमेज बनेगा उसका एरिया में डिवाइड कर देंगे उस ऑब्जेक्ट के एरिया से, तो हमें एरियल मैग्निफिकेशन मिल जाता है, ठीक है। तो कभी कभी इस टाइप के भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सवाल में बन जाते हैं, तो आप चाहे आप लोग करेंगे क्या, ये तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था समझाने के लिए इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। आपको सारे केसेस इमेज फॉर्मेशन को लर्न रखने पड़ेंगे, ठीक है। इसका डेरिवेशन क्लास टेंथ के लिए नहीं है, क्लास ट्वेल्व के लिए होता है। तो इसका डेरिवेशन मैंने एक वीडियो में कराया भी है, आप रे ऑप्टिक्स में जाकर के क्लास टेंथ की वो वीडियो है और आप उसमें सर्च कर सकते हो, ठीक है। मैंने प्रूफ किया है इसका, तो यहाँ पे प्रूफ नहीं करेंगे। इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कॉनकेव मिरर का यूज, कॉन्वेक्स मिरर का यूज भी आप लोग जानते ही होंगे। कॉनकेव का होता है
हेडलाइट्स में है ना लाइट को फोकस करने में सामने की तरफ कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, और कॉन्वेक्स का यूज करते हैं साइड ग्लास, रियर व्यू है ना कार ऑटोमोबाइल्स में, बाइक्स में। तो ये सब इसके यूजेस हैं और भी यूजेस होते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, हम मिलेंगे अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका यूज आप लोग करेंगे जेईई मेंस और नीट में। तो तब तक पढ़ें, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।